सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे, सो गाइस आ गए हैं हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। और गाइस आज के ब्लॉग में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली, क्यों? क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं हुदापी, जो दुपट्टे में जो चल के आएगी, है ना? हाँ, तो जो चल के आएगी, तो आज हम लोग वो दुपट्टा बनाने वाले हैं। हल्दी का दुपट्टा नहीं भाई, तो हल्दी के इसमें जो आते, हाँ, जो सर पे ऐसा हम लोग को रखना है पकड़ के, जो हम लोग उसके नीचे उदापी चलेगी। नाम नहीं पता है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करना, तो नेक्स्ट टाइम जब बोलूंगी तो वो नाम लेके बोलूंगी मैं। तो चलो अभी उसका सामान हम लोग लेने जा रहे हैं, उसको कैसा मतलब ये करना है बनाना है, जैसे जैसे हम लोग बनाएंगे आप लोग के साथ में शेयर करते जाएंगे। गाइस चलो जाके उसका पहले सामान लेके आते हैं, फिर उसके बाद में आके बनाएंगे। तो आ गई हूँ मैं शॉप पे, और यहाँ पे मतलब मुझे जो जैसे फूल चाहिए भैया, वो वैसे वो है ना पिंक येलो, वो लाइन जो लगी है वैसी ना, मेरे को 4 लाइन चाहिए। और अगर डांडिया है तो वो है आपके पास में? डांडिया नहीं है, अरे यार शिट, तो डंडे किसको बनाएंगे हम लोग? तो चलो वैसे तो हम लोग को आसानी से मिल जाएगी डांडिया, तो भाई वो निकाल के दे दो ना मेरे को। ये वाली देखो, ये वाली लाइन चाहिए मुझे, मैं आप लोग को भी दिखा दी कौन सा बोल दिया, ये वाला, क्योंकि दुपट्टा हमारा रेड है तो वो हिसाब से अगर हम लोग ये लगाते तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई ये निकाल लो ना, 4 चाहिए ये। हाँ कितने का एक? 395 का जोड़ी है, 2 पीस। 395 की 2? क्यों इतना महंगा भाई? ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, बड़ा है, छोटा नहीं है क्या इसमें? हाँ है, दिखा दो ना छोटा वाला, बता दो ना, क्योंकि इतना बड़ा तो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही बड़ा है। कौन सा? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, 300 का जोड़ी है भाई, थोड़ा तो कम करो। वैसे तो 4 चाहिए मुझे ये, 300 में 4 दोगे? दिखाओ दिखाओ वो। तो ये वाला हम लोग ले लेते हैं, तो ये हम लोग का मैच भी हो जाएगा, रेड भी है, वाइट भी है, येलो भी है, सब कुछ है, तो ये आराम से मैचिंग हो जाएगा। ये वाला ले लेते हैं हम लोग। तो अभी उसमें बांधने के लिए भाई धागा लेकर आ रहे हैं, वो धागा लेंगे और देखेंगे कि वो होएगा, उससे बंधेगा क्या नहीं बंधेगा, क्योंकि डांडिया भी वैसी होनी चाहिए, अगर वो पतली होगी तो वो उसमें आएगा नहीं। और ये डांडिया क्यों ले रही है और ये क्यों ले रही है, वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझोगे तो जैसा हम लोग उसको बनाएंगे, जब हम लोग उसको कस्टमाइज करेंगे हमारे मुताबिक वो दुपट्टे को, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये क्या हो रहा है। सो गाइज हमारा हो गया है, ले लिए है हमने, और उसके बाद में मैंने ये धागा एक ले ली हूँ, क्योंकि अगर हम लोग को फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ी फिर मुझे नीचे उतरना पड़ेगा सामान लेने के लिए। और यहाँ पर मैंने डबल टेप भी ले ली हूँ कि आ सकता है यूज़ में आ सकता है, तो इसलिए। तो अभी हम लोग जाते हैं डांडिया लेने के लिए, तो वो हम लोग को आगे ही जाके लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो है नहीं अवेलेबल। सो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग दोनों बहस कर रहे हैं, भैया और मैं, के ये दोनों चीज के लिए। अभी वो ये कितना तुमने लगाया, ये 5 नहीं, टोटल अमाउंट क्या बोले, 5 यही उन्होंने जितना लगाया वो नहीं बोल रहे, 335 का है ये, वो अपनी ही बोल रहे हैं। तो 30 रुपीज भाई ऐसा मत करो, ये ऐसी दे दो आप मुझे इसके साथ में, ये होती है बार्गेनिंग स्किल्स गाइस। भैया लेकिन सुन नहीं रहे हैं, जरा भी नहीं सुन रहे कि नहीं 30 रुपीज देना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं हम लोग ऐसे ही लेके जाएंगे। चलो फटाफट से लेती हूँ और फिर निकलते हैं। सो गाइस हम लोग ने सामान ले लिए हैं, और वहाँ पे वो दुकान वाले जो भैया थे वो बोलते हैं कि हम लोग आपको डंडा बना के दे देते हैं, मतलब ऐसे ही बोल रहे थे, वो बना के नहीं दे रहे थे, मैं शूट नहीं करी। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी हम लोग को लेना है डांडिया, वो अगर अच्छे से मिल गई हम लोग को तो हम लोग वो ले लेंगे, फिर उसके बाद में घर जाते। लेकिन डांडिया कहाँ मिलेगी वो भी मुझे पता नहीं है अभी, वैसे तो ऐसे ही कोई स्टोर में देखना पड़ेगा, ऐसे ही कोई स्टोर में मिल जाएगी मुझे आराम से। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारी दुकानें गाइज यहाँ पे, तो कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। सो गाइज एक और दुकान में मैंने पूछ ली, लेकिन यहाँ पे भी डांडिया अवेलेबल नहीं है यार, बहुत टेंशन हो गया ये तो। हाँ ये नवरात्रि में वैसे डांडिया मिलती है, ये तो मैं भूल ही गई, शिट अगर नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो।
सो गाइज मुझे ये डंडा तो मिल गया है, अभी इसको दो हाफ करवाना है। और यहाँ पे बहुत ही जोरों से बारिश हो गई है, देखो पूरे रोड गीला हो गया, तो मैं साइड में खड़ी हो गई थी और अभी भी बारिश ही हो रही है, मेरी पूरी सीट गाड़ी की भीग चुकी है। तो अभी हम लोग को डंडा नहीं मिल रहा था कहीं पे भी, तो अब हम लोग जाएंगे लेने के लिए डंडा लकड़ी की दुकान पे, क्योंकि वहाँ पे आराम से ये ऐसा कुछ तो भी मिल ही जाएगा, तो चलो वहाँ जाके लेते हैं। सो फाइनली मुझे ये डंडा मिल गया है और यहाँ पे मतलब अच्छा खासा मोटा भी मिल गया जैसा मुझे चाहिए था, तो हाथ में पकड़ने को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, हैवी भी है तो टेंशन नहीं है। तो अभी हम लोग ये बहुत ज़्यादा 7.5 फीट का ये डंडा है, अभी इसको हम लोग 4 भाग में कट करवा लेंगे, भैया हम लोग को कट करके दे रहे हैं, फिर उसके बाद में लेके हम लोग जाएंगे और दुपट्टा बनाना स्टार्ट करेंगे। सारी चीज़ें मैंने ले चुकी हूँ, अब खाली बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे भाई अभी उसका नाप लेके काट रहे हैं, क्योंकि चारों एक ही साइज़ के होना चाहिए, एक साइज़ का रहेगा तभी ही पकड़े में मज़ा आएगा, क्यों वरना फिर ऊँचा नीचा ये वो फिर उदापी के मुँह पे गिरेगा, थोड़ा थोड़ा पीछे गिरेगा थोड़ा, तो ये टेंशन नहीं चाहिए अपने को, इसलिए भैया हम लोग को मतलब हम लोग भैया से अच्छे से मतलब चारों एक साइज़ का कटवा रहे हैं। भैया अभी काट लेंगे फिर इसको लेंगे, और ये जो डंडा हम लोग ने लिए है ये हम लोग वापस करवा देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्या करेंगे इसको, तो चलो फटाफट से कटवा लेते और फिर निकलते हैं। सो गाइस हम लोग ने सामान ले लिए हैं हमारा पूरा, तो चलो अभी हम लोग जाते हैं घर पे और बनाना स्टार्ट करेंगे भाई लोग के साथ में, उसे चिपकाना पड़ेगा ना। सो गाइस हमारा जो काम है वो उदापी करती है, अभी स्टार्ट करके देंगे क्योंकि उदापी का ही काम है। ला दे दूसरा में, टेप लगा, टेप दू क्या? तो गाइस हाइफा से कुछ काम नहीं हो पाता है। हाँ हाँ टेम्पी है अपने पास, वो जाए तो पीछे से थैली देख ऐसा कर ऐसा पकड़ के, लेकिन अपने को वो भी तो चाहिए ना उदापी। सो गाइस हम लोग ने ये लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, और रुकावट के लिए खेद है क्योंकि हमारे जीजू आ गए हैं। ओहो फाइनली जिसका वेट था इतने टाइम से। ओहो सो गाइस यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुक गए थे क्योंकि जीजू की एंट्री हो गई थी, और उसके बाद मैं आ गया तो कहाँ मिलूंगा, कितना इजी हो गया, तो अच्छे से अभी हम लोग ये कर लेंगे बना लेंगे। तेरे से पहले मैंने अच्छे से कर लिया उसे, समझा ईशान भाई? और ये देखो कुछ लोग तो है जो बिना काम के भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी ईशान भाई, बना दिए इसके साथ झूठ बोल रहे। गाइस हमारे 3 डंडे बन गए, चौथा डंडा अमन भाई बना रहे हैं, और फिर उसके बाद में अब हम लोग इसमें ये लगाएंगे। रुक पहले उसमें ना डबल टेप लगा देते, डबल टेप से निकलेगा तो खाली ऐसी देख रहा था, तो पहले कैची से अपन इसको अच्छे से ये कर लेते बराबर कर, सोच रही ना इसको ऐसा यहाँ पे स्टिक कर दू और फिर उसके बाद में रोलिंग करने से निकल गया तो एक कीला मार देते। ये डबल टेप से चिपक जाएगा, डबल टेप से चिपका के इसको खाली एक ऐसी करके दिखा रही हूँ ऐसा, और यहाँ पे ये ऐसा लटकने देंगे ऐसा, भाई ये देख अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसा ये लगा लेते पूरा दुपट्टा, आज हम लोग रेडी कर ही देंगे ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं है। हेलो सो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग इसको चिपका रहे हैं, कहाँ लगाएंगे यहाँ लगो, लेकिन ये चिपकेगा क्या, चुंगी से निकल जा रहे हैं अच्छे से लगा, नकली फूल है सब, अच्छे से लगा, अच्छे से यहाँ पे लग गया ना, हो गई अच्छे से लगा, ऐसे सिखाया था मैंने, काम तो अच्छा करी तूने, वो नहीं करी मैंने, हाँ देखा मैंने, चलो फिर भी नहीं भाई डबल टेप से चिपका, फिर भी ठीक से नहीं चिपकेगा, चल अच्छा है लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, हाँ पकड़ेंगे ना ऐसा अच्छा दिखेगा। हाँ, येलो दुपट्टा, येलो नहीं लाल दुपट्टा लगा, लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा लगा, लाल दुपट्टा दे देना। अबे निशान भाई कैसा कर दिया, अबे ऐसा नहीं करना था, वापस खोल, चल क्यों खोल, अच्छा तो लग रहा है, रुक जा, अबे नहीं अच्छा लग रहा है ये क्यों, मगर मेरी जान ले,
अबे टूट जाएगा गाइस ये सबको बोल के तो लेके आए कि सब करेंगे लेकिन यहाँ तो मैं नहीं अकेला गाइस मैं जब से दुपट्टा लहरा रहा हूँ और मैं गाना गा रहा हूँ लाल दुपट्टा कुछ किया ही नहीं मैं कुछ करता ही नहीं हूँ उठाऊ कल ही तो निकाह है कल ही तो निकाह है टाइम बाकी है अभी कितने दिन बाकी है तू इतनी इतना टाइम बाकी है अभी से क्यों कर रही है क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था इसलिए मैं लेकर आई हूं तुझे अभी से बताओ हम लोग ने ये बोले थे कि कपड़ा शादी के लिए लेके रखने का पहले से तू तो पहले से सामान भी बना के रख रही है ये हां चिपक जाएगा उधर मत चिपका उस साइड घुमा नहीं इस साइड नहीं हुआ वो लटका है ना तो उधर ही चिपका इधर एक और बांध अरे ये मान रही हूँ ना बांध एज पे धागा भी लेकर आई हूँ मैं लगा वो ये बस सिर्फ बैठा हुआ है ऐसी भी लेकर आई हाँ क्या होएगा ये ज्यादा चालाक बनेगा और कोई खींच लिया ना मतलब आगे बढ़ गया कपड़ा निकल जाएगा नहीं अपन डोरी भी लगा रहे हैं बैलेंस तो कर ले पहले ये सीधा उल्टा सीधा कहे ये जो चमक है ना जगह दे ऐसा मत ले मास्टर माइंड निशान ये क्योंकि बांधने का है उसको से। तो गाइस अंदर का आपकी वो चल रही है लड़ाई भैया बहुत तेज भूख लगी हम लोग ने कुछ नहीं खाया है गाइस मेहमान लोग आके अभी अभी गए अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है तो फोकस के चैनल पे जाके देख सकते हो आलतू फालतू के चैनल में पूरा जीजू भी आ गए जीजू का फेस रिवील कर दिया लोग ने आज रात 8 बजे हो जाएगा हो चुका है दुपट्टा रेडी होने ही वाला है और जब तैयार होएगा तो आप लोग देखना इतना प्यारा लगने वाला है लेकिन अभी तक मेरे को ये समझ नहीं आया बहुत सोच समझ के लेकर आई अपने हां मम्मी चलो एक कोना हो गया चलना बनाना रे निशान कैसा कर रहे मेरा भाई है रे मास्टरमाइंड निशान दिख रहा है मेरा भाई है रे चलो कितना गंदा दिख रहा है नहीं इतना गंदा नहीं दिखेगा वो ऊपर का है ना दिखेगा ही तेरा भाई लगाएगा तू कर गल लगा पे चल एक कोना तू लगा दो अमन भाई एक ये एक इधर ला दिख चारों होएंगे फटाफट दुपट्टा छोटा पड़ गया ऐसा लग रहा है ला तू धागा ला ला छोटा है दुपट्टा तो तुम लोग खाना रखना इधर अमन खा ए ला बैठ धागा ला धागा बैठ मैं भी आ रहा हूँ अरे धागा मत दे वो ओहो कबाब भी है ओ अमन बोल रहा और दे नहीं थोड़ा नहीं और दे वो सैंडविच धके ले ना अच्छा तुम लोग सैंडविच भी खाए अरे धागा जी धागा जिशान भाई ये तीन चार बार अमन भाई बोल दिए अमन भाई काम नहीं करता है अमन भाई इतना मेहनत कर रहा है तेरा कैमरा पकड़ा है मैंने नहीं बोली कुछ अमन भाई को तो तू वीडियो बनाने के बाद बोलेगी अच्छा तो वीडियो में बात लेना बहुत बहुत नीचे दुपट्टे के नीचे धागा दे ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अरे फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे अरे तू धागा दे यार तू मांग रहा है ये ले धागा उसके पास ही धागा मैं से मांग रहा है देख जब से मेकअप कर रहा है अरे पर अरे तू कहां है तू कहां है अब रे आ रहा हूं मम्मी को दे खाना खाए अबे ला मैं बांध देख मैं पकड़ूंगी निशान तभी छोएंगा अबे मेरे को धागा दो बे 1 मिनट हो गई मेरा दुपट्टा इतना प्यारा लग रहा है ना मैंने सोचा ऐसा बांधते ऊपर नीचे करके नहीं बांधते तो ऊपर नीचे करके कहाँ बांधे हम लोग ने ठीक है कोई बात नहीं है मैं बांध सकता हूँ उठा भाई जरा अबे मेरे तरफ का तागा नहीं लगा है कसम दो बांध दी अभी तक लेके अबे तागा ही नहीं दे रहे हो तुम लोग पूरा दिन क्या की तूने मगरिब की अजान में सोया उदा बोल क्या की इसने पूरा दिन हो गई थी हो गई थी चिल्ला रहे हो बे बैठो खाना दू भाई तूने बाघाट ला खोल लू ये अबे मुझ तो जाओ गिराएगा साले रुक जा रुक जा ओ बन्नो रे बन्नो ओ चली ससुराल में सर पट्टा रेडी हो गया है
इसको अच्छे से बांध बांध के अच्छे से पेटी में बांध के कहीं कोने में रख के। हाँ, तो ये जब हल्दी होगी हमारी भाई इसी में रख दूंगा। आएगा ना? वो शौक था ना इतने दिन पहले बनाने का, खराब होगा ना वापस से लेके आना, वापस से बनाना वही करना पड़ेगा। नहीं खराब संभाल के रखूंगी इसको मैं। सो गाइस यही थी हमारा दुपट्टे बनाने का, तो अगर आप लोगों को भी बनाना रहेगा आप भी बना सकते हो गाइस। बहुत गाइस अगर चाहिए तो हाइप आपको बना के देगी, बना के नहीं दूंगी यही भिजवा दूंगी। सो गाइस इसी के साथ वीडियो यही एंड कर, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब।